जस्टिस उदय उमेश ललित ने आज भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर आसीन होने जस्टिस ललित का कार्यकाल मात्र 8 नवंबर तक ही है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर कौन है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित का जन्म 9 नवंबर 1957 को तत्कालीन बॉम्बे के सूलापुर में हुआ था। 9 नवंबर 1957 में जन्मे उदय उमेश ललित 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। उससे पहले वो देश के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाला मामले में विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया था। आपको बता दें कि उनके पिता UR ललित बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज रह चुके हैं। UR ललित भी देश के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते थे। जस्टिस ललित के दादा रंगनाथ ललित भी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के नामी वकीलों में से थे। यूं कहें तो जस्टिस UU ललित को कानून और न्याय का ज्ञान अपने परिवार की विरासत में मिला है। आपको बता दें कि जस्टिस ललित के दादा रंगनाथ ललित भी अपने समय के एक जाने माने वकील थे। न्याय के क्षेत्र में इस सफर को उनके बेटे RU ललित ने एक कदम और आगे बढ़ाया और वो वकील से बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए। जस्टिस यू ललित ने अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के वकील रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि अपने सौम्य स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले UU ललित भारत के ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे, बल्कि सीधे वकील से इस पद पर पहुंचे हैं। इनसे पहले 1971 में देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी ने ये उपलब्धि हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में जस्टिस ललित एक दो नहीं बल्कि कई बड़े फैसले के हिस्सा रहे हैं। 22 अगस्त 2017 को तलाक-ए-बिद्दत यानी कि एक साथ तीन तलाक बोलने की व्यवस्था को असंवैधानिक करार देने वाली 5 जजों की बेंच में वो सदस्य थे। इसके साथ ही 30 अप्रैल 2021 को जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजद्रोह के मामले में लगने वाली IPC की धारा 124A की वैधता पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। इस मामले में कोर्ट ने मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ के पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ला की याचिका सुनने पर सहमति दी थी। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में जस्टिस ललित ने अवमानना के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा दी थी। कोर्ट ने माल्या पर ₹2000 का जुर्माना भी लगाया था। ये भी कहा कि जुर्माना ना चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जस्टिस ललित उस बेंच में भी रहे हैं जिसने 2019 में अम्रपाली के करीब 42,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी थी। तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि अम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी कि NBCC पूरा करेगा। कोर्ट ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अम्रपाली ग्रुप की सभी बिल्डिंग कंपनियों का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। साथ ही निवेशकों के पैसे के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का भी आदेश दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी न करने का आदेश भी जस्टिस ललित की सदस्यता वाली बेंच ने ही दिया था। कोर्ट ने इस एक्ट के तहत आने वाली शिकायतों पर शुरुआती जांच के बाद ही मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव कर तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को दोबारा बहाल कर दिया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।